सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाशिवरात्रि पर राशि अनुसार पूजन से शिव को करे प्रसन्न। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यदि कुंडली में दोष हो तो और कार्यों में परेशानी आ रही है तो राशि अनुसार देवों का देव महादेव के पूजन से सभी कष्टों का अंत होता है। इस साल की शिवरात्रि को बेहद खास माना जा रहा है क्योंकि इस बार शिवरात्रि पर 117 साल बाद शनि और शुक्र का दुर्लभ योग बन रहा है। जानकारों के अनुसार इस साल शिवरात्रि पर शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में और शुक्र ग्रह अपनी उच्च राशि मीन में रहेगा। यह एक दुर्लभ योग है जब ये दोनों बड़े ग्रह शिवरात्रि पर इस स्थिति में रहेंगे। इससे पहले ऐसी स्थिति साल 1903 में बनी थी। इस योग में भगवान शिव के आराधना करने पर शनि गुरु शुक्र के दोषों से मुक्ति मिल सकती है। नए कार्यों की शुरुआत के लिए भी यह खास योग माना जाता है। शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 21 तारीख को शाम को 5:20 से महाशिवरात्रि के पर्व का मुहूर्त शुरू होकर अगले दिन यानी कि 22 तारीख दिन शनिवार को शाम 7:02 तक रहेगा। रात्रि पहर की पूजा शाम को 6:41 से रात 12:52 तक होगी। अगले दिन सुबह मंदिरों में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाएगी। कहा जाता है कि पूरे विधि विधान से भोले की पूजा करने पर वह प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। तुला राशि के जातक महाशिवरात्रि के दिन शिव जी को माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र को प्रसन्न करने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को वस्त्रों का दान करें।